पत्रकार ने अभी अभी जो राजस्थान में एक आरटीआई लगाई कि ये कहाँ पढ़ी थी सरस्वती और किस स्कूल में कितनी डिग्री ले रखी थी, इसको ज्ञान की देवी कहा जाता है, ये मूर्तियां किसके आदेश पर लगाई जा रही हैं, जबकि इस देश की नारी शक्ति को तो सबसे पहले जो है ना सावित्रीबाई फुले ने इस देश के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार औरतों में किया था, नहीं तो मनुवादी व्यवस्था के अंदर तो मोस्टली जो है ना नारी शिक्षा बहन थी, सुंदर शिक्षा बहन थी। तो ये व्यवस्था का ही एक कारण है कि हम सब के सब कहीं ना कहीं अंधविश्वास की चपेट में हैं और हमारा देश इस सरकार ने और ज्यादा अंधविश्वासी बना दिया कि हम तो सिर्फ जो है ना लोगों को धार्मिक भावनाएं के माध्यम से ही जोड़ करके हिंदू मुस्लिम के तौर पर दंगे भड़का करके ही राज करना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर मस्जिद कोई खाने को देता है, कुछ लोगों की दुकान है उनके घर चलते रहते हैं। अभी अभी मैं एक मंदिर से निकला था, कोई पता उसके पता लगा कि वहाँ 8-10 लाख रुपये लूट करके कोई बाबा जी के पास्ते भी ले गए, तो बाबे जो है ना खैर ऐसे ही लूटेंगे ही चोरों के हाथ से, जब अनाप शनाप ढंग से सिस्टम देश के अंदर होने में जा रहा है। लेकिन पड़ोस में चाइना है, हमारे पड़ोस में रशिया है, हमारे पड़ोस में जापान है, वहाँ का युवा आज सारा सारा काम पे लगा हुआ है, हमारे देश का युवा कावड़े ढोने में लगा हुआ है। हमारे देश को तो ये सिखाया जा रहा है कि आप जो है भक्ति मार्ग के ऊपर चलो और जीवन में कष्ट थोड़े बहुत जरूर आ सकते हैं, लेकिन भगवान जिससे ज्यादा प्यार करता है उसको ज्यादा कष्ट देता है, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग हमारे देश में दी जाती है। मैं कह सकता हूँ कि मैंने बाल मजदूरी कर रखी है, मेजमीन घर में पैदा होकर के आज एक अच्छी इंडस्ट्री तक 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 8-10 हजार बच्चे काम के साथ हमारे साथ जुड़े। उन लोगों को मैं सिर्फ एक ही ट्रेनिंग देता हूँ कि भैया काम में ही जीवन है, वर्क ही पूजा है, पूजा पत्थरों की करने से काम की कर लो ताकि देश का निर्माण हो जाए। अगर कोई पार्टी कुछ अच्छा देश में करने का प्रयास रखती है तो हम उसका जो है ना हरियाणा में भी स्वागत करेंगे, लेकिन उसको 2 जवाब जरूर देने पड़ेंगे कि चंडीगढ़ के बारे में आपका क्या स्टैंड है, हरियाणा के अंदर पानी के बारे में जब उसने कहा था कि पंजाब का पानी पंजाब के पास ही पूर्ति नहीं कर रहा जबकि बह करके पंजाब से पाकिस्तान में पानी जा रहा है और हरियाणा को पानी हम नहीं देंगे, तो ये बात केजरीवाल ने कही थी। अब केजरीवाल जी हरियाणा में जब आएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे, और भाई जाट समाज मोस्टली राजनीतिक लोग हैं, जहां उनकी 100 वोट होती है वो तो 300-400 डलवा लेते हैं, और बीजेपी के पास अनाप शनाप पैसे कमाया हुआ भीषमार है, और आप पार्टी नई नई है, अगर मान लो ये तीनों पार्टियां 30-30 पैसे में बराबर खड़ी हो जाती हैं तो 10 पैसे तो हमारा वजन भी होगा जी, इधर 10 पैसे रखेंगे उधर आपको सत्ता का सीन दिखाएंगे। जो कांग्रेस ने 55 साल तक किया उसी प्रकार से बीजेपी आज 6वीं बारी सत्ता में होने के पश्चात वही काम कर रही है, और वही मोखरा में साध मियां साध जितने भी हैं वो रोज मेरी बात सुनते हैं। मैं इन बातों में ज्यादा बिलीव इसलिए नहीं करता क्योंकि देश लूटा ही इस वजह से, और वही लोग गरीब हैं जिस देश में इतने देवता थे, जहां सिकंदर का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मीर कासिम, न जाने कितने तैमूर लंग, कितने आक्रमण इस देश ने झेले, यहाँ किसी देवी देवता ने उनको अंधा नहीं किया, उनको नेस्ता नबूद नहीं किया, जितने लोग यहाँ से सारे देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ फोड़ करके ले गए। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा देश आज भी जितना गरीब है वो गौतम बुद्ध को नहीं मानता, अशोक सम्राट की बात को नहीं मानता जिन्होंने लास्ट में गौतम बुद्ध, ना भीमराव अंबेडकर को मानता, ना महात्मा ज्योतिबा का लेकर आएगा। मेरा भाव है सरकार ढिंडोरा पीट रही है राष्ट्रवाद का, सरकार ढिंडोरा पीट रही है अपने भारत इसके हरियाणा के विकास का, और सरकार ढिंडोरा पीट रही है डिजिटल इंडिया का, और न जाने क्या क्या इस देश के अंदर दिखाया जा रहा है। आज उसी को उजागर करने के लिए आपके लिए जो वो 2 करोड़ वाला
मुद्दा था, पता नहीं प्रधानमंत्री भूल गए, सिर्फ राष्ट्रवाद याद रह गया, मंदिर मस्जिद याद रह गया, और वो बेरोजगार लोगों की जो बातें थी वो कहाँ गौण हो गई। जो 2 करोड़ भर्तियां हर साल खोलनी थी, आज यहाँ पर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल में किसी ने छुआ तक नहीं बेरोजगारी के मुद्दे को। आज पीछे D4 की जो भर्तियां हुई थी डी क्लास की, उन भर्तियों में PhD और MA और MPhil बच्चों ने अपना एप्लीकेशन दिया था और उसमें लगे भी थे कुछ लोग, तो उनकी उस क्वालिफिकेशन का क्या करें जो माँ बाप ने सपने संजोए थे। देख करके एक किस्म से इस देश के हुक्मरानों के प्रति हमेशा से झूठ का जो पुलिंदा है वो लोगों को बड़े लुभावने वायदे दे करके वरगलाते हैं और देश का सर्वनाश करते हैं। यही आज जो कांग्रेस ने 55 साल तक किया, उसी प्रकार से BJP आज 6वीं बारी सत्ता में होने के पश्चात वही काम कर रही है। और वही देखिए, आज मैं अभी एक TV चैनल की ही बात सुन रहा था कि ये मुद्दा, जहां तक जिस प्रकार यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा है, ये मुद्दा कहीं ऐसा ना हो ये पेट्रोल 200 और 300 तक पहुंचा दें। मुद्दा जो है ना, लोगों को हथियार बेचने का हो गया, लोगों को पेट्रोल और डीजल बेचने का हो गया। सरकारों ने इसके ऊपर जो इस वक्त पेट्रोल की जो क्रूड ऑयल की कीमत है उसके ऊपर 70% से भी ज्यादा जो टैक्स लिए जा रहे हैं, स्टेट टैक्स और सेंटर के टैक्स जो लिए जा रहे हैं, वो जो है ना 3 गुने से भी ज्यादा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आम आदमी है, या मैं कहूँगा किसान, सबसे ज्यादा मार किसान पे पड़ रही है, क्योंकि यहाँ छोटी लैंड होल्डिंग है। जब घर से ट्रैक्टर कोई किसान अपना स्टार्ट करता है तो जितना खर्चा उसके खेत से आमदन होने की, उसके खेत में एक बार खेत को जोतने में उतने पैसे खर्च हो जाते हैं जिसको उसके मिलने होते थे। इसी वजह से आज किसान खेती छोड़ छोड़ करके इधर उधर भटक रहा है, और आत्महत्याएं जो BJP कहा करती थी कि किसान आत्महत्याएं कर रहा है, अब उससे भी ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। आज ठेके पर लेने के लिए कोई तैयार नहीं है किसान की जमीन को। वजह उसकी यही है कि किसान को खेती में भारी घाटा पड़ रहा है। अगर हमें मौका मिले तो हम इसको, इस सिस्टम को किसान और मजदूर को प्रायोरिटी पर रख करके दिखा सकते हैं कि जो लोग सिर्फ मंदिर में बैठ करके घी खिचड़ियां खा करके, जो लोग देश को कमांड करने के प्रयास कर रहे हैं, जो अपने घर तक कभी चलाने का प्रयास जिन लोगों को नहीं किया, जिन लोगों ने, वो देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि जितना राष्ट्रवाद का मुद्दा इस वक्त हिंदू मुसलमान को दिखा करके आज देश के अंदर लोगों को बहकाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर मस्जिद कोई खाने को देता है। कुछ लोगों की दुकान है, उनके घर चलते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि इस देश में टेक्नोलॉजी के नाम पर ढिंढोरा पिटा, जितनी स्टैंड अप इंडिया फलाने डिजिटल इंडिया न जाने, इसके एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने और टीवी चैनलों के ऊपर जितना बजट था वो 70% बजट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हुआ, हकीकत में इसके धरातल पर कुछ नहीं हुआ। अभी अभी मैं एक मंदिर से निकल रहा था, कोई पता उसके पता लगा कि वहाँ 8-10 लाख रुपये लूट करके कोई बाबा जी के पास से भी ले गए, तो बाबे जो है ना, खैर ऐसे ही लूटेंगे ही चोरों के हाथ से, जब अनाप शनाप ढंग से ये सिस्टम देश के अंदर होने में जा रहा है। लेकिन आज जो वो व्यक्ति जो हमारी युवा शक्ति थी, वो युवा शक्ति जिसको रोजगार के साथ जोड़ना था, युवा शक्ति जिसको सुनहरे सपनों के साथ दिखा दिखा करके गलत रास्ते के ऊपर डाल दिया गया है, झूठ का उनको आमरण पहना दिया गया है, वो लोग अब क्या किस मजबूरी में हैं? क्योंकि अपने उनकी शादियों के होने के पश्चात कुछ की शादियां हुई, कुछ की नहीं भी हुई, ऐसी परिस्थिति में हमारा युवा खड़ा है कि वो ना तो घर के सहयोग में कहीं मतलब कुछ कर पा रहा है, और ना अपने जीवन को सेटल करने में कहीं कुछ कर पा रहा है। व्यवस्था तो इस वजह से हमारी युवा शक्ति कहीं इधर उधर नशे की लत में या इधर उधर गलत कामों, चोरी चकारी में मतलब कहीं भटकेंगे, तो ये सारा दोष सरकार का होता है। जो लोग कमांड हैं, देखिए हमारे से पड़ोस में चाइना है, हमारे पड़ोस में रशिया है, हमारे पड़ोस में जापान है,
वहां का युवा आज सारा सारा काम पे लगा हुआ है, हमारे देश का युवा कावड़ें ढोने में लगा हुआ है। हमारे देश को तो ये सिखाया जा रहा है कि आप जो है भक्ति मार्ग के ऊपर चलो और जीवन में कष्ट थोड़े बहुत जरूर आ सकते हैं, लेकिन भगवान जिससे ज्यादा प्यार करता है उसको ज्यादा कष्ट देता है। ऐसी ऐसी ट्रेनिंग हमारे देश में दी जाती है कि मैं कह सकता हूं कि मैंने कभी इस तरह की अंधविश्वास में विश्वास नहीं किया। इस प्रकार का अंधविश्वास मैंने कभी अपने जीवन के नजदीक नहीं फटकने दिया। मैं कह सकता हूं कि मैंने बाल मजदूरी कर रखी है, बेजमीन घर में पैदा होकर के आज एक अच्छी इंडस्ट्री तक 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 8-10 हजार बच्चे काम के साथ हमारे साथ जुड़े। उन लोगों को मैं सिर्फ एक ही ट्रेनिंग देता हूं कि भैया काम में ही जीवन है, वर्क ही पूजा है। पूजा पत्थरों की करने से काम की कर लो ताकि देश का निर्माण हो जाए। मोखरा में साध मियां साध जितने भी हैं वो रोज मेरी बात सुनते हैं। मैं इन बातों में ज्यादा बिलीव इसलिए नहीं करता क्योंकि देश लूटा ही इस वजह से है, और वही लोग गरीब हैं जिस देश में इतने देवता थे, जहां सिकंदर का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मीर कासिम, न जाने कितने तैमूर लंग, कितने आक्रमण इस देश ने झेले। यहां किसी देवी देवता ने उनको अंधा नहीं किया, उनका उनको उनको नेस्तनबूद नहीं किया। जितने लोग यहां से सारे देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ फोड़ करके ले गए। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा देश आज भी जितना गरीब है वो गौतम बुद्ध को नहीं मानता, अशोक सम्राट की बात को नहीं मानता जिन्होंने लास्ट में गौतम बुद्ध, ना भीमराव अंबेडकर को मानता, ना महात्मा ज्योतिबा फूले को मानता है, ना सावित्रीबाई फूले को मानता है। मानता क्या है, हर स्कूल के कॉलेज के अंदर सरस्वती की फोटो लगी हुई है। किसी पत्रकार ने अभी अभी जो राजस्थान में एक RTI लगाई कि ये कहाँ पढ़ी थी सरस्वती और किस स्कूल में कितनी डिग्री ले रखी थी, इसको ज्ञान की देवी कहा जाता है, ये मूर्तियां किसके आदेश पर लगाई जा रही हैं। जबकि इस देश की नारी शक्ति को तो सबसे पहले जो है ना सावित्रीबाई फूले ने इस देश के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार औरतों में किया था, नहीं तो मनुवादी व्यवस्था के अंदर तो मोस्टली जो है ना नारी शिक्षा बहन थी, शूद्र शिक्षा बहन थी। तो ये व्यवस्था का ही एक कारण है कि हम सब के सब कहीं ना कहीं अंधविश्वास की चपेट में है, और हमारा देश इस सरकार ने और ज्यादा अंधविश्वासी बना दिया कि हम तो सिर्फ जो है ना लोगों को धार्मिक भावनाएं के माध्यम से ही जोड़ करके हिंदू मुस्लिम के तौर पर दंगे भड़का करके ही राज करना चाहेंगे। इस देश के युवा को रोजगार के ऊपर लगा करके हम राज की नहीं कर सकते, क्योंकि फिर लोग सवाल पूछेंगे। देखिए मुझे इतनी बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं, मैं जिन लोगों की आवाज हूं वो सारा कमजोर तबका है, और कमजोर का कोई संगठन नहीं होता, भूख का कोई संगठन नहीं है। यही जो अपर कास्टें हैं, सारी पार्टियां मोस्टली उन्हीं लोगों की हैं। हमारे लोग ज्यादा जल्दी प्रभाव में आते हैं, और अगर आम आदमी पार्टी के बारे में आज ज्वाइनिंग चल रही है तो मुझे लगता है ये नौटंकी अभी कुछ दिन में ही सामने आ जाएगी। जिसको पंजाब के अंदर कहा गया कि जीत हमारी पॉलिसियों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की नीतियों की जीत थी, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आधे स्कूल खाली, आधे वो मोहल्ला क्लिनिक खाली पड़े हैं। और ये तो पंजाब का जो सीन था वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ किसान आंदोलन के समय में एक आक्रोश था, विद्रोह था सरकार के खिलाफ, और कांग्रेस की अंतर्कलह से ये सब हुआ कि वहां ऐसी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। बदकिस्मती है कि SC और BC को तो SC BC वाले ही वोट नहीं देते, तो अपर कास्ट के लोगों ने कहां वोट देनी थी। तो इसलिए सबके मन में एक ही बात आया कि भाई इस कार से तो बेकार ही भली है, तो बेहतर है कि इसी को डाल दो आप पार्टी को। यजमान बाल कितने बड़े बड़े हैं, अभी सामने आ जाएंगे, लोग दंगा करने वाले अब से पहले तैयार खड़े हैं। हाँ, अगर कोई पार्टी कुछ अच्छा देश में करने का प्रयास रखती है
तो हम उसका जो है ना हरियाणा में भी स्वागत करेंगे, लेकिन उसको दो जवाब जरूर देने पड़ेंगे कि चंडीगढ़ के बारे में आपका क्या स्टैंड है। हरियाणा के अंदर पानी के बारे में जब उसने कहा था कि पंजाब का पानी पंजाब के पास ही पूर्ति नहीं कर रहा, जबकि बह करके पंजाब से पाकिस्तान में पानी जा रहा है और हरियाणा को पानी हम नहीं देंगे, तो ये बात केजरीवाल ने कही थी। अब केजरीवाल जी हरियाणा में जब आएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि भले आज कांग्रेस के बारे में अगर मैं कहना चाहूं तो भूपिंदर सिंह हुड्डा को एक तरफा उन्होंने सपोर्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने, और भाई जाट समाज मोस्टली राजनीतिक लोग हैं, जहां उनकी 100 वोट होती है वो तो 300-400 डलवा लेते हैं, और बीजेपी के पास अनाप शनाप पैसे कमाया हुआ भीषमार है, और आप पार्टी नई नई है। अगर मान लो ये तीनों पार्टियां 30-30 पैसे में बराबर खड़ी हो जाती हैं तो 10 पैसे तो हमारा वजन भी होगा जी, इधर 10 पैसे रखेंगे उधर आपको सत्ता का सीन दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे से कोई पार्टी अछूत नहीं है। हमारा मुद्दा किसानों के और कमजोर तबके के उत्थान के लिए हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। छीना था जो हक सरकार ने वो वापस दिलवाना है, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करवाना है। आज हरियाणा में चारों तरफ सरकारी अन्याय का बोलबाला है, कहीं कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बाट जो रहे हैं तो कहीं पीटीआई आज सड़कों पर बैठे हैं, कहीं आशा वर्कर, कहीं आंगनवाड़ी वर्कर, कहीं कलर्क आज संघर्षत हैं, तो कहीं टीचर अपने हक के मुद्दे के लिए आवाज उठा रहे हैं। 1,00,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारी लंबे समय से कन्फर्म होने को तरस रहे हैं, उनमें से कितने ही तो ऐसे हैं जिनकी उम्र भी जा चुकी है लेकिन उनकी बेबसी कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, तो मैंने आज आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए जनसेवक मंच बनाया है। अपनी सहमति व सहयोग देने के लिए 7834-800-800 पर मिस्ड कॉल कीजिए और जनसेवक मंच से जुड़िए। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।